Hello students, this is Ankush here with you. Once again, I welcome to all of you in my channel, Nega Classes. Okay, Nega Class by Ankush here. आज आपकी साइंस की क्लासेस है. प्रीवियस कुछ वीडियोज मैंने अपलोड किया है, कुछ अपलोड अभी हो रहे हैं. मैं एक बार बता दूं, नेगा क्लास जो एक स्पेशल टीचर्स ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इस क्लास में आपको मैथ्स और साइंस की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है. और आज मैं आपको 10th क्लास की जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने बताई थी, है ना, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा जहाँ तक मैंने पढ़ाया था. हालांकि मैं आज कुछ हद तक मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा एक बार, ताकि जिन जो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी भी डाउट है, हालांकि वो मेरा प्रीवियस वीडियोस देख करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. बट रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है ना, मिरर के द्वारा जो होती है, प्लेन मिरर में कैसे होती है, वो सारी डिस्कशन आज होगी. कल मैंने 9th क्लास की वीडियोज अपलोड किया था, मतलब मैंने उसका जो रिकॉर्डिंग होता है वो हमने तो कर लिया है, बस अपलोड में थोड़ी सी लेट है, तो कल तक वो वीडियोज आ जाएगी. और ये वीडियोज भी हो सकता है कि कल आपको दोनों वीडियोज मिल जाए. तो एक बार और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ मैं नेगा क्लासेस में. ओके, और नेगा क्लास अंकुश है साइंस. ओके, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें. जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इनको इस वीडियोस को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, कमेंट करेंगे. जो भी आपका कमेंट सेक्शन होगा वो मतलब करें तो अच्छा है, चाहे अच्छा वाला करें या फिर बुरा वाला करें, आपका चैनल है ना, आपको चलाने हैं इसे. सो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी आज हमें देखनी है. तो पहले मैंने बताया था ना कि रिफ्लेक्शन जब भी होती है, जाहिर सी बात है ना, तो किसी ना किसी सरफेस पे होती है. जब लाइट किसी सरफेस से जाती है तो वहाँ रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्शन वहाँ पे होती है. और एक और बात याद रखना, अगर मैं इससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस से पास होती है तो वहाँ थ्री एक्शंस होते हैं. और थ्री एक्शंस क्या क्या होते हैं पहले आप ये जान लो, वो होता है रेड, आर बोले तो रिफ्लेक्शन, आर फॉर रिफ्लेक्शन, ए फॉर एब्जॉर्प्शन और टी फॉर ट्रांसमिशन. सो दीज आर द थ्री एक्शंस विच अकर्ड व्हेन इवर द लाइट ट्रेवल थ्रू द सरफेस ऑफ एनी मीडियम. यानी अगर ये मीडियम है और इस मीडियम में क्या हो सकता है, इस मीडियम में अगर लाइट मेरी जा रही है, मान के चलो लाइट की यहां पर 10 स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, 10 स्ट्रिंग ले लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 स्ट्रिंग इसके जा रहे हैं. इस मीडियम में जब जाएगा तो कुछ क्या होगा, मान के चलो इसमें से ये सारे के सारे आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर गए, इसमें से पांच क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर गया, पांच इसमें से रेज क्या होगा, टकरा करके इससे कोलाइड्स होकर के रिफ्लेक्ट कर जाएगा. कुछ हद तक कुछ रेज इसमें से दो क्या होगा, दो ट्रांसमिट कर जाएगा, आई मीन इसको पार कर जाएगा, या फिर इसी में ट्रांसमिट होने का मतलब यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है. ओके, और कुछ क्या होगा, इस ये मीडियम क्या हो, तीन मान लो क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ, तो बाकी दो को क्या करेगा, ये मीडियम एब्जॉर्ब कर लेगा. तो ये सिंपल सा फंडा है, ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है कि जब भी किसी मटेरियल मीडियम से या फिर किसी सरफेस से हमारी लाइट पास होती है तो वहां पर थ्री एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्शन, कुछ रेज हमारी रिफ्लेक्ट कर जाती है, कुछ एब्जॉर्ब होता है जिसके चलते मटेरियल हमारा गर्म हो जाता है, और कुछ ट्रांसमिट होता है, यहाँ का हीट यहाँ पर आ जाता है अगर लाइट के चलते वो हीट है. तो ये सारा कुछ आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, बस हमने एक उसका वो जो डाटा था जो आप लोअर क्लासेस में पढ़े हो लाइट के बारे में, कि रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन कैसे कैसे होते हैं, है ना. एक बार मैं बता दूं, ये जो आपके टॉपिक्स जो है यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही है, एक पर्टिकुलर किसी बोर्ड का नहीं है, हम नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट से दैट दिस सिलेबस इज टोटली डिपेंड्स ऑन द CBSE पैटर्न. नेवर थिंक अबाउट दैट, नेवर थिंक लाइक दैट. ये तुम्हारा ICSE पैटर्न से भी हो सकता है. ये पूरा मैंने रिफ्लेक्शन की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं देने वाला हूँ यहाँ पे आपको. रिफ्लेक्शन मैंने बताया था, ये जो बुक के अनुसार चलोगे तो क्या बोलते हो, द बाउंसिंग बैक, है ना, जो लाइट पड़ती है, स्ट्राइक होती है किसी सरफेस पे तो वहां से बाउंस बैक हो जाता है, ये पूरी इवेंट जो होता है क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन होता है. हमने ये भी बताया था रिफ्लेक्शन हमारा दो तरह का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. रेगुलर में क्या था, रेगुलर में ये कॉन्सेप्ट था कि जब पैरेलल रेज किसी भी सरफेस पे पड़ती है ना, तो जिस पैटर्न में वो स्ट्राइक होती है सिमिलर पैटर्न में क्या हो जाती है, वापस चली जाती है. जिस पैटर्न में आएगी उसी पैटर्न में वो क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, आई मीन रिफ्लेक्ट कर जाती है. तो ये ऐसी रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और ऐसी रिफ्लेक्शन जिस सरफेस पे होता है वहां पर हमारा इमेज बनता है, आपका इमेज बनेगा, मेरा इमेज बनेगा. ओके, लेकिन जिस सरफेस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, आई मीन पैरेलल पैटर्न में रेज हमारी जाती है, स्ट्राइक करती है सरफेस पे, और वहां इरेगुलर पैटर्न में रिफ्लेक्ट करती है, मतलब किसी का कोई पाथ फिक्स्ड नहीं है, वो एक दूसरे को क्रॉस करके भी जा सकती है, यहां पर हमारा इमेज नहीं बनता है, यहां इमेज बनता है.
आई मीन टू से दैट ये बोर्ड है यहाँ पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है बिकॉज यहाँ पर हमें स्टैंड हो जाए या आप भी स्टैंड हो जाओगे तो आपका इमेज यहाँ नहीं बनेगा ओके क्योंकि इसको माइक्रोस्कोप से आप देखते हो तो यहाँ पर क्या कुछ क्रेटर्स कुछ डिचेज वगैरह मिलेंगे जिसके चलते इसके जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो इरेगुलर पैटर्न में हो जाते हैं डिफ्यूज कर जाते हैं तो उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं जो हमने बताया था। अभी आप ये जान लो कि किस मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन किसी ने आई होप आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ओके तो आप देख लो पहले नीचे मैं कर देता हूं किसी ना किसी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है ना उस सरफेस से सरफेस के साथ साथ हम मिरर भी ले सकते हैं ओके ये मिरर हमारा दो तरह का होता है तुम पहले से जानते हो आप लोग एक हो जाता है हमारा प्लेन मिरर है ना प्लेन मिरर हो जाएगा और दूसरा हमारा हो जाएगा स्फेरिकल मिरर ये स्फेरिकल मिरर हमारा दो तरह का होता है कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर ओके हमें डिस्कस करना है सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में प्लेन मिरर एक्चुअली में होता क्या है प्लेन मिरर का बिहेवियर कैसा होता है आई मीन टू से दैट इसका नेचर कैसा होता है आई होप आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा चलते हैं प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं प्लेन मिरर एक्चुअली में होता क्या है एक देखो स्टूडेंट्स आपको एक मैं एक बात बता दूं ये जैसे जैसे मैं डेरिवेशनल क्लासेस इसका करूंगा आपका मिरर फॉर्मूले भी होगा उसमें एक और फॉर्मूले आता है r इक्वल टू 2f करके आता है वो सब भी हम लोग देखेंगे लेकिन उसका जो पूरा स्टोरी होता है ना एक क्लास मैं ऐसा लूंगा जो मतलब हाफ एन आवर्स का होगा या फिर एक घंटे का हो सकता है उसमें पूरा फुल्ली डीपली हम डेप्थ में जाएंगे कि लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता कैसे है सन से जब रेज आती है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है नेचर ऑफ द लाइट कैसा होता है किसी ने इसको वेव बोला किसी ने इसको पार्टिकल्स बोला फिर उसमें हम लोग देखेंगे आइंस्टाइन का जो अपना इक्वेशन था इक्वल टू एमसी स्क्वायर वो भी थोड़ा सा देखेंगे उसके साथ साथ वेव थ्योरी भी थोड़ा बहुत देखेंगे बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं बहुत इंटरटेनमेंट होने वाला है आपको बस बने रहना है चैनल को सब्सक्राइब करना है शेयर करना है कमेंट करना है जो भी आपकी बातें हो जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है टॉपिक के बारे में लिख देना है उसकी वीडियो अगले दिन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। फिलहाल में हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में प्लेन मिरर करता गया है होता गया है प्लेन मिरर अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि मिरर का जो प्रोडक्शन होती है यानी इसकी मैन्युफैक्चर होती है वो किस टाइप की होती है बेसिकली मैं सिर्फ आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ कि टॉपिक से आप कनेक्ट हो जाओ टॉपिक में इतने बिजी हो जाओ है ना कि जो मेन क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में उस पर आप फोकस करो पहले फिर तो हम लोग जाएंगे थियरी पोर्शन जो होगा वो तो होगा ही अभी आप देख लो कि प्लेन मिरर में एक्चुअली में क्या हो रहा है ना प्लेन मिरर हमारा सपोज कर लो यहाँ पर प्लेन मिरर है मिरर को क्या करते हैं बैक साइड से क्या करते हैं इसको पॉलिश कर देते हैं और पॉलिश करते समय यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को स्टैंड किया अब मिरर से होता कि एक्चुअली में देखो रेज कहीं से भी आए इस ऑब्जेक्ट पे टकरा कर ये सपोज कर लो इस ऑब्जेक्ट से ही जा रही है रेज ऐसे ये तो हमारा एक रेज मतलब एक एक्सिस हो गया है ना जहां पे हमने स्टैंड किया है ऑब्जेक्ट को आई थिंक थोड़ा सा तिरछा हो रहा है मैं इसको सीधा कर देता हूं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट हमने स्टैंड किया है ओके जब रेज आती है यहां से रेज जाती है ऐसे और यहां पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाती है दूसरी रेज यहीं से जाती है ऐसे और इधर से रिफ्लेक्ट कर जाती है अब एक बात बताना रिफ्लेक्ट कर रही है ऐसे अब आपकी आईज यहां पर है अब आप इधर से देख रहे हो तो आपको क्या ऐसा लगेगा आपको ऐसा फील होगा कि ये रेज हमारी इधर से आ रही है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट हमारी यहां पर स्टैंड है लोकेटेड यहां पर लोकेट है वो बट हमें क्या दिख रहा है यहां दिख रहा है इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाओ क्योंकि ये डिस्टेंस जो होगा ना वो सेम होगा ओके अगर मैंने बोला ये ए है ऑब्जेक्ट तो इसकी जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है ए डैश बनता है आई मीन टू से दैट व्हेनेवर द लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस देन इट रिफ्लेक्ट और बाउंस बैक बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट ट्राइंग टू सी this rays which are coming after the reflection we can say that the both of the rays will appear to come from a dash not from a ye to dikhega hi nahi a dash se lagega but actually mein kya ho raha hai ye rays idhar se ja rahi hai aur actually mein aisa ho raha hai ki a se ja rahi hai but tumhe aisa appeared hoga ye rays kidhar se aa rahi hai a dash se aa rahi hai samajh rahe ho
तो ये हमारी क्या है, ये हमारा इमेजिनेशन है, ये हमारी वर्चुअलिटी है। दैट्स वाई प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज बनता है वो ऑलवेज क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, इन हिंदी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये वर्चुअल इमेज का एक हो गया प्रॉपर्टी। अभी आप देख लोगे हमने क्या किया, मेजर किया, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज सिमिलर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। आई मीन टू से दैट जितना डिस्टेंस, इसको मान लो ओ, सपोज समझ रहे हो, तो हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है यहां पर, इमेज डिस्टेंस और साथ में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये दोनों डिस्टेंस जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, ये दोनों डिस्टेंस है, हमने चेक किया, इसको चेक करने पे हमें ये मिला कि अगर ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये भी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, फ्रॉम द मिरर, द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द इमेज, दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। हमने ये भी देखा जो इसका हाइट है यहां पर, वही हाइट हमको इमेज में भी मिल रहा है, हमने मेजर किया, 1 मीटर हाइट इसका भी है, 1 मीटर हाइट इसका भी है, यानी ये दोनों तो सेम हो ही गए, हम इक्वल टू लिख सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, हमने ये चीज भी देखा। तीसरे नंबर में हमने ये देखा था कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट की इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। हमने चौथा देखा ये चीज, जरा देखना चौथा पॉइंट में हमें क्या मिल रहा है, तीन प्रॉपर्टी तो हमने बता दिया है ना कि कैसा क्या हो रहा है, एक हाइट वाला, दूसरा डिस्टेंस वाला, और तीसरा वर्चुअलिटी हमने बता दिया। तो जाहिर सी बात है ये वर्चुअल होता है तो चौथा वाला हमारा डेफिनेटली इरेक्ट होगा, समझ रहे हो। अब देखो यहां पर एक और बात है, बोल सकते हो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं कि हाँ हमारे पास मिरर है, मिरर की तरफ एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, दौड़ते हुए आ रहा है, रनिंग करते हुए आ रहा है सामने से, है ना, 6 सेकंड में दौड़ते हुए आ रहा है, जो डिस्टेंस इतना था। तो मैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनवाऊंगा आप लोगों से, मैं बताऊंगा, ये नेक्स्ट क्लास में होगा, तो मैं बता दूंगा कि वेलोसिटी किस वैल्यू, इतना जान लो कि जब मिरर के पास जब ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से आती है तो उसका जो अपना इमेज का जो वेलोसिटी दिखता है वो 2v हो जाता है। कैसे होता है ये आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो पता चलेगा, अगर भी वेलोसिटी से इधर आ रही है तो ये 2v हो जाता है। दैट्स व्हाई जिम वाले सेंटर पे भी देखना चारों तरफ क्या लगा रहता है, मिरर लगा रहता है, ताकि रिफ्लेक्शन के बाद पता ना चले, क्योंकि अगर ऐसे वाला तुम कर रहे हो ना तो तुम्हें लगेगा कि पार्टिकुलर हम 10 के स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन इमेज जो तुम्हारा सामने दिख रहा है ना वो 20 का दिखेगा। तो कितने पेशेंट होते हैं बीपी वाले, हार्ट अटैक कर जाएगा कभी कभी, कि भाई इतनी स्पीड में मैं जा रहा हूं, है ना, दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा भी। इसलिए जिम सेंटर में क्या किया जाता है, चारों तरफ से लगा दिया जाता है, क्योंकि अगर यहाँ प्लेन मिरर हमने लगाया है तो एक प्लेन मिरर यहाँ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ से इसको भेज रहा है, यहाँ एक इमेज बनेगा, फिर इस पे टकरा के इधर आ रहा है तो एक यहाँ भी इमेज बनेगा, फिर इधर जाएगा। तो अगर 10 के बदले 20 यहाँ दिख रहा था तो ये 20 को कैंसिल कर देगा, फिर से इक्वल, मतलब 20 को 20 में से 10 को कैंसिल कर देगा, फिर इक्वल दिखेगा। दैट्स व्हाई इसका यूज होता है, यूजेज में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तभी आपने देखा प्लेन मिरर में क्या क्या इसकी अपनी नेचर होती है, नेचर हमने बता दिया है ना। और ये मत समझना कि यहाँ पर ये उल्टा इमेज बनेगा, उल्टा बिल्कुल नहीं बनेगा, ये सीधा बनेगा। दैट्स व्हाई हमने यहाँ इरेक्ट मेंशन किया है। इसका यूजेज कहाँ पे होता है, तो आप वॉशरूम में देखते हो, बेडरूम में देखते हो, है ना, चारों जगह। और प्लेन मिरर आप जहां तक देखते हो ना, आपके पास 4-व्हीलर है, अगर नहीं भी है तो मतलब देख सकते हो बाहर में। ये जो 4-व्हीलर की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ देख लो, ये जो 4-व्हीलर की प्रॉपर्टी होती है ये पहले जमाने वाली है, है ना। अगर मैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अगर मैं बता दूं, ये जो सामने वाला एक तो होता है भेपर वाला, मैं भेपर थोड़ा निकाल देता हूँ सामने, है ना, जो ऐसे फोकस रहता है ना, ये वाला होता है। और एक होता है ड्राइवर के पास ऐसे साइड मिरर के रूप में, लेकिन एक होता है जिसको पोंछता रहता है बारिश के दिनों में, जो बीच में होता है ना वहां भी इसका यूज होता है। तो देखोगे तो तीन तरह के मिरर वहां पर लगे रहते हैं, जो भेपर में रहते हैं वो कुछ और है, वो हमारा कॉनकेव हो सकता है, कॉनकेव ही होता है ना, जो साइड मिरर के रूप में लेता है वो क्या हमारा कॉन्वेक्स है, जो बीच में उसको बार बार साफ करता है, ऐसे डंडा वहां चलता रहता है बार बार बारिश के दिनों में, वो हमारा प्लेन मिरर होता है। तो तीनों तरह के मिरर यूज होते हैं यहाँ पे। तो ये था प्लेन मिरर के बारे में इन्फॉर्मेशन, है ना। व्हाट एवर द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन प्लेन मिरर आई टोटली ट्रांसफर्ड टू यू, बट यू हैव टू ओनली फोकस व्हाट एवर द इन्फॉर्मेशन इज गिवेन थ्रू दिस चैनल, यू हैव टू जस्ट कीप इट इन योर माइंड।
and after that you can proceed. Obviously you will get everything, and you, if you are having any trouble, any problem, then write down the write down into the comments box. Okay, I will handle everything. Okay, so ab hum log dekhte hain thoda sa information spherical mirror ke bare mein. I hope aapne screenshot le liya hoga, क्योंकि वीडियोस के समय लिखने का टाइम किसको होता है? आजकल बच्चे तो ऐसे ही बोलो तो पता नहीं चलता है, लिख ही नहीं पाते हैं कुछ लोग, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. तो देखते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर से ही पता चलता है, ये स्फेरिकल मिरर हमारा कोई ना कोई स्फीयर का पार्ट होता है. मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि ये हमारे पास कोई स्फीयर है, इसको बीच से कट करो. कट करोगे तो दो तरह के मिलेंगे, कट ही कर दो इसको. अब क्या कर रहे हैं, कट करने के बाद हमने देखा एक चीज, है ना, यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं. अगर हमने इसको पीछे से पॉलिश किया तो एक स्पेशल मिरर मिला, हमने इसको फ्रंट से पॉलिश किया तो एक दूसरा टाइप का स्पेशल मिल रहा है, और दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है. ये कुछ और काम करता है तो ये कुछ और काम करता है. ये किस लाइट को बोलता है कि मेरे पास आ जाओ भाई, एक जगह स्टोर हो जाओ, तो ये बोलता है नहीं, हम एक जगह स्टोर है, सबको चारों तरफ भेज देंगे. तो सबका अपना अपना यूज है. जब हमने इसको ऐसे बनाया तो इसका नाम हमने रख दिया कॉनकेव मिरर. इसका नाम रख दिया कॉनकेव मिरर. जब हमने इसको ऐसे बनाया, हमने इस मिरर का नाम रख दिया कॉनवेक्स मिरर. आप ऐसे भी देख रहे हो, ये उठा हुआ पार्ट है, ये धंसा हुआ पार्ट है. इन हिंदी बोल सकते हो, ये उठा हुआ पार्ट है, ये धंसा हुआ पार्ट है, है ना. ये बल्जिंग आउट है, ये बल्जिंग इन है. पेट निकलता है तो बोलते हैं ना कि बल्जिंग आउट हो रहा है, बल्ज आउट हो रहा है, तो ये बल्जिंग इन है, बल्ज आउट है. इतना समझ गए. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है. ठीक है, ओके, दो मिनट और. एक्चुअली कुछ हमारे जो कैमरामैन है, टेक्निकल सपोर्टर हैं, शायद कोई इश्यू जा रही है, दो मिनट में देखता हूँ इसको. ठीक है, पहला होता है हमारा कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर होता है, आप देख लो कॉनकेव मिरर में एक बात याद रखना, कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी अगर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं. सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि देखो कॉनकेव मिरर अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, कॉनकेव मिरर हमने ऐसे लिया, है ना. अब मैंने बोला कि जाहिर सी बात है, एक बात बताना, जब मैं सर्किल बना रहा हूं, मैं जब सर्किल को ड्रॉ करता हूं, तो सपोज कर लो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है. तो अगर मैंने इस स्ट्रेट लाइन को यहां पर लिख दिया और मैं बोलूं कि इसका एक सेंटर बनाओ, मतलब इसका रेडियस कहां होगा ये तुम बताओ, तो तुम क्या करोगे, इसको ऐसे तुम सर्कल बनाओगे यहां पे, और इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा उसको बोलोगे ये सेंटर है. यानी ये देखो, पहले ये हमारा लाइन जो है ना, स्ट्रेट लाइन है, ये जितना सीधा होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस पर होगा उसका मेन पॉइंट, सेंटर पॉइंट. लेकिन जितना वो कर्व होता जाएगा, ये जितना कर्व होगा ना, आई मीन जितना वो कर्व्ड पोर्शन में आएगा, तो मान के चलो अगर ये कर्व यहां पर इतना है तो इसका सेंटर क्या होगा, यही थोड़ा सा कम होगा. और ज्यादा कर्व कर दिए, और ज्यादा कर्व कर दिए तो और छोटा सर्कल हो गया, तो इसका और नजदीक हो जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कम होता जा रहा है. समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूं, ये जितना बेंडेड होगा, जितना झुका हुआ होगा, उतना कम होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जितना ये स्ट्रेट होगा उतना इसका क्या होगा, बड़ा वाला सर्कल होगा. तो बड़े वाला सर्कल का बड़ा वाला रेडियस, छोटे वाला सर्कल का छोटा वाला रेडियस, है ना, डिस्टेंस का मतलब कम रेडियस वाला हमारा वो सर्कल होगा. तो एक बात याद रखना, इसको बोलते हैं कर्वेचर. ज्यादा कर्वेचर बड़ा सर्कल, कम कर्वेचर छोटा सर्कल, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कर्वेचर. ओके, अभी आप ये देख लो, ये तो कर्वेचर हो गया. यहां से जो ये लाइनें हम ड्रॉ करते हैं, ये तो हमारा पूरा मिरर हो गया ए बी, और ये हमारा कर्वेचर हो गया, इसको बोलते हैं पी. ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा. ठीक है, इसको पोल बोलते हैं. लेकिन वही अगर बात करते हो, ये हमारा ए है और ये बी है, यहाँ पर हमने ए बी तो ले लिया है, तो ले लो ए डैस और बी डैस. तो हमारा ये ए डैस और बी डैस का नाम क्या हो जाता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. डेफिनेशन के बारे में बिल्कुल मत सोचना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, वी विल डिस्कस अबाउट दैट एवरी डेफिनेशन इन नेक्स्ट क्लासेस, ओनली नेक्स्ट क्लासेस. इस क्लास में हम लोग नहीं देखेंगे, इस क्लास में सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, हमने इसको क्या मान लिया, सी मान लिया, और यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा. ओके, अब ये सी हो गया ना, अब सी के बाहर क्या होता है, अब एक और जान, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसी के सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, फोकस होता है.
ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, आगे चलोगे तो फिर आगे फिर से मिलेगा, ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब आई मीन जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं पीसी क्या होता है, पीसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कितना उसका कर्वेचर है, कर्वेचर कितना बड़ा है या छोटा है, कर्वेचर हो गया। लेकिन सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ वही तो रेडियस होता है ना। और ये जो पी और एफ के बीच का डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, इट इज नोन एज, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो ये इन्फॉर्मेशन था, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं आपको ये वीडियोस जो बचा हुआ पार्ट है ये मैं कल अपलोड कर दूंगा बना करके, ठीक है। आप लोग तब तक इंजॉय कीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दिया है। मैं एक बार और बता दूं, नेगा क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसको शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, जितना हो सके फॉरवर्ड करें इसको, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फॉरवर्ड करें, है ना। मैं बता दूं इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मतलब चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके बाद उस पर वीडियोज बनेगी, चाहे वो मैथ्स की हो या साइंस की हो। इनकमिंग डेज अदर सब्जेक्ट भी यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे डेफिनेटली, यहाँ पर टीचर्स के ग्रुप है, है ना, अपने अपने सब्जेक्ट में वो लोग अपना वीडियोज बनाएंगे और इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा। ये आपका खूबसूरत सा चैनल है ना, नेगा क्लासेस, ओके। सो एंजॉय व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसमिटेड बाय दिस चैनल टू यू, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। सो ये कहते हुए मैं आज का अपना लेक्चर जो होता है इसको समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियोज में मिलते हैं, तब तक एंजॉय कीजिए, ओके, टेक केयर, ओके, थैंक यू।